नमस्ते एंड गुड डे टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और एमएस के कंडीशन को डिस्कस करेंगे, शाटिका। तो शाटिका क्या है, और एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट शाटिका का ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि उसका पूरा प्रोटोकॉल बेसिकली क्या क्या है, कि कौन कौन सी टेक्निक से हम एग्जामिन करेंगे, डायग्नोस बनाएंगे और फाइनली हम कहेंगे कि शाटिका, और अगर शाटिका है तो शाटिका के टाइप्स जो उसके कॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शाटिका को लिखेंगे। सो द वर्ड बेसिकली जो शाटिका है, तो पहले हम उसकी थोड़ी बहुत एनाटमी देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, एनाटमी, उसकी एपिडेमियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, उसके अलामत क्या क्या, इचियोलॉजी, कॉज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बाकी चीजों से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उनकी क्लिनिकल शाटिका की पहचान क्या है, उनके कैसे करेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर हम कह देंगे यही शाटिका, फिजिकली हम उनमें क्या क्या चीजें एग्जामिन करते हैं, स्पेशल टेस्ट कौन कौन से अप्लाई होते हैं, और फाइनली इमेजिंग मॉडलिटी ले, सपोज एमआरआई दरकार होता है, एक्सरे से पता चलता है या एमआरआई से पता चलता है, किन चीजों से ऊपर पता चल, एमसीएस से भी पता लग सकता है, लेट सपोज उसका फाइनली मैनेजमेंट और इसकी कंक्लूजन समरी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वैसे तो नॉर्मली आईटीआईएस इस वर्ड के एंड में लगता है तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, लेकिन शाटिका एक ऐसा केस है जिसमें शाटिक नर्व की इरिटेशन हो जाती है। शाटिक इटसेल्फ इज अ लॉन्गेस्ट नर्व जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आपका हिप का है, थाई का है, लोअर एक्सट्रीमिटी का है, उसको सप्लाई करती है। तो शाटिक नर्व की इरिटेशन को बेसिकली शाटिका कहा जाता है। तो शाटिका रेफर्स टू द बैक पेन, ऐसी कंडीशन जिसमें शाटिक नर्व इरिटेट हो जाती है, और अलामत के तौर पे हमें कमर दर्द, बैक पेन जो कि कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम विद द शाटिका नर्व की वजह से होता है। शाटिक इटसेल्फ इज अ लार्जेस्ट नर्व जो कि रन करती है लोअर बैक पे और बैक ऑफ द लेग, पोस्टीरियर टू द होती है। ज्यादातर शाटिका के जो अलामत हिप के पोस्टीरियरली बैक पेन से निकलती है, कमर दर्द से, यूजुअली डिपेंड करता है, अगर शाटिका आपकी स्पाइन की वजह से आ रही है तो बैक पेन होगा, अगर एक्स्ट्रा स्पाइनल में जिस तरह पेरिफॉर्मल सिंड्रोम की वजह से आ रही है तो हिप पे होगा। तो लेकिन ज्यादातर जो अलामत है वो पोस्टीरियर टू हिप, क्योंकि शाटिक नर्व जो है बेसिकली सक्रम L4S1-2-3 से निकलती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सक्रम पे ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट जाके ग्रेटर टोकेंटर पे करता है जो कि पायरिफॉर्मस मसल, अगर उसकी वजह से शाटिका आ रही है तो फिर हिप पेन, बटक पेन ज्यादा होता है। बहरहाल तो इसकी ज्यादातर अलामत पोस्टीरियर टू हिप होती है, पोस्टीरियर टू नी होती है और पोस्टीरियर टू एंकल, स्पेशली अप टू द काफ मसल्स। इरिटेशन ऑफ शाटिक नर्व जो कि ये कॉज करता है पेन लोअर बैक में और स्प्रेड करता है हिप, बटक एंड लेग की तरफ। अप टू 90% ऑफ द पीपल दे रिकवर फ्रॉम द शाटिका फ्रॉम फिजिकल थेरेपी फ्रॉम मैनुअल थेरेपी विदाउट द सर्जरी। एनाटॉमी अगर बात करें तो शाटिक नर्व ट्रेवल करती है थ्रू एन ओपनिंग जिसको हम ग्रेटर शाटिक फोरामेन या ग्रेटर शाटिक नोच कहते हैं, टिपिकली रन करती है बिलो द पीरिफॉर्मस, लेकिन ये भी इसके ऊपर भी वेरिएशन आती है कि समटाइम पीरिफॉर्मस के दरमियान, बहरहाल यूजुअली ये बिलो टू द प्रीफॉर्मल मसल होता है, और प्रीफॉर्मस मसल कहाँ पे अटैच होता है, सक्रम से लेकर ग्रेटर टोकेंटर। शाटिक नर्व रन करके थ्रू द बैक ऑफ द थाई में जाती है, देन पोस्टीरियर टू हिप, पोस्टीरियर टू नी और पोस्टीरियर टू द एंकल। नर्व कोर्स की अगर हम बात करें तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सबसे पहले आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ग्लूटस मैक्सिमस है, जैसे ही उसको रिमूव करोगे तो आपके पास ग्लूटस मीडियस मिनिमस एंड देन डीप मसल इज अ पेरिफॉर्मल, जिनके रिलेशन में आपके शाटिक नर्व होती है। उसके अलावा नर्व रूट्स की अगर हम बात करें तो L4-5-S1-2-3 जो है इनकी नर्व रूट्स है, मतलब ये पांच नर्व रूट्स मिलके एक शाटिक नर्व बनाते हैं आपकी। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पेन होगा, इंटेंस पेन होगा इन बटक, इनकी ऐसा पेरिफॉर्मल सिंड्रोम, वरना बैक पेन की शिकायत भी मिलती है शाटिका में। लंबो सेक्रल रेडिकुलर लेग पेन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर L4-5 आपका डिस्क बल्ज है, प्रोट्यूड है, हर्निएट है जो कि शाटिक नर्व को कंप्रेस कर रहा, तो भी आपको रेडिकुलर सिम्टम मिलेगा। रेडिकुलर सिम्टम मतलब जो पेन ट्रेवल कर रहा हो, शार्प शूटिंग पेन। नमनेस आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है नर्व की वन ऑफ द सिम्टम इज आल्सो नमनेस। मसल वीकनेस, जिन जिन मसल्स को ये सप्लाई करती है, स्पेशली ग्लूटल मसल्स हो गए या पोस्टीरियर थाई के मसल्स हो गए, वहां पे वीकनेस भी हो जाएगी। गेट डिस्फंक्शन हो जाएगा एक तरफ का, अगर लेट्स सपोज वॉलर सिंड्रोम है, पेरिफॉर्मल सिंड्रोम है, जिसकी वजह से एक आपका बाकायदा चलने का जो तरीका है जिसको हम गेट कहते हैं, पैटर्न है, वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसको गेट डिस्फंक्शन कहा जाता है। सेंसरी इंपेयरमेंट, जिन जिन सेंसरी नर्व सप्लाई L4 से लेके L4-5-S1-2-3, वहां पे सेंसरी इंपेयरमेंट होगा, अल्टीमेटली सेंसरी डिस्टर्बेंस भी होगी। हॉट एंड कोल्ड या टिंगलिंग सेंसेशन जो कि नर्व की अलामत है, और रिफ्लेक्स इंपेयरमेंट भी हो सकते हैं, और फाइनली पैरास्थीसिया, अगेन वही नर्व की अलामत है। कॉजेस की बात करें तो स्पाइनल कॉजेस में जो स्पाइन में कॉजेस आ सकते हैं, डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, स्पॉन्डिलोसिस्थीसिस जिसमें एक स्पाइन का वर्टिब्रा कोई भी आगे की तरफ एंटीरियरली डिस्प्लेस करता है विद रेस्पेक्ट टू द लोअर वन, जो लेट्स सपोज L4-5 है, तो L4
एंटीरियरली डिस्प्लेस कर जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द L5, इसको हम एंटीरियर भी कहते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस ड्यू टू RA, जैसे सपोज स्पाइनल स्टेनोसिस में जो स्पाइनल केनाल है वो नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व जिस लेवल पे ये स्पाइनल केनाल नैरो होता जा रहा है वहां पे कंप्रेशन आ जाती है उस लेवल। अगर वो L4-5 का लेवल है तो इट कैन कॉज द L4-5 नर्व सिम्पटम्स। स्पाइनल कोई ट्यूमर हो गया, कोई डिस्क इश्यू जिसमें बल्ज के अलावा प्रोलेप्स है, अदर इश्यूज है, या मैक्रोफेजेस सीक्रेट साइटोकाइनिन जो कि कंडीशन को वर्स कर सकता है। नॉन स्पाइनल कॉजेज में जो स्पाइन के अलावा कॉजेज कर सकते हैं शाटिका के लिए, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, प्रीफॉर्मर सिंड्रोम, प्रीफॉर्मर्स की शॉर्टनेस हो गई, लेट सपोज डायरेक्ट हिट हो गया नर्व को, कोई ट्रॉमा हो गया लेग को, कोई लेट सपोज कोई गन शॉट इंजरी है, इस तरह करके। SI जॉइंट की पैथोलॉजी है तो SI जॉइंट पैथोलॉजी सेंस में अफेक्ट कर सकता है कि SI जॉइंट पे जो सक्रम पे आपका प्रीफॉर्मर्स मसल अटैच होता है, या वो डायरेक्टली कोई डीजेनरेटिव आर्थराइटिस चेंजेस हैं लेट सपोज अगेन वो SI जॉइंट पे आ गई, या कहीं पे भी प्रेगनेंसी जिसमें सिटिंग कॉजेज द फीटल हेड टू कंप्रेस, या वॉलेट शर्टिका जिसको आमतौर पे जो कि ग्लूटल जो एक जो लोग वॉलेट सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो एक अगर आप बड़ा वाला वॉलेट अपने बैक पॉकेट में रखते हो लेकिन वन साइडेड रखते हो और वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो तो इट कैन कॉज द ग्लूटल कंप्रेशन, और ग्लूटल कंप्रेशन कैन कॉज द शार्टिक सिम्टम्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दूसरी चीजों से हम डायग्नोस कैसे करेंगे, अब जैसे प्रीफॉर्मर सिंड्रोम से शाटिका कैसे एक स्पाइनल इश्यूज की वजह से आ रही है, प्रीफॉर्मर सिंड्रोम से आ रही है, एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी, SIJ पैथोलॉजी, नर्व ट्रामा, मेटास्टेटिक डिजीज, या वेस्कुलर प्रॉब्लम, डिफरेंशियल डायग्नोस, इन ये चीजें भी शाटिका करा सकती है। तो हम सबसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे मैं एक सिंपल सा डेमो दू, प्रीफॉर्मर सिंड्रोम से जो शाटिका बैक पेन, जो कोई एक शाटिका लंबर पैथोलॉजी से आ रही है और एक शाटिका प्रीफॉर्मर सिंड्रोम से आ रही है, तो दोनों में फर्क ये होगा कि जो लंबर पैथोलॉजी से आ रही है उसको 90% बैक पेन होगा रादर देन बटक पेन, लेकिन प्रीफॉर्मर सिंड्रोम में बटक पेन ये एक पहचान है, गेट डिसफंक्शन भी एक पहचान है, एक्स्ट्रा स्पाइनल कोई पैथोलॉजी है लेट सपोज कोई डायरेक्ट ट्रामा है, ब्लंट ट्रामा है, वो भी शाटिका कॉज करा सकती है, लेकिन उसको आप आम शाटिका जो लंबर पैथोलॉजी है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। SIJ पैथोलॉजी है तो आप सेक्रोइलियक जॉइंट की जो है वो स्पेशल टेस्ट करते हो कि यार क्या ये पेन वाकई SI जॉइंट से तो नहीं आ रहा, कोई नर्व ट्रॉमा है तो वहां पे सिर्फ आपको नर्व की सिम्टम मिलती है, तो डिपेंड करता है कि नर्व किस लेवल पे ब्लॉक है, शाटिक है तो शाटिक किस लेवल पे ब्लॉक है, क्या उसकी सिम्टम सिर्फ पोस्टीरियर टू हिप जा रही है, पोस्टीरियर टू नी जा रही है, नहीं जा रही, इस तरह करके। कोई मेटास्टेटिक डिजीज है, कोई ऐसा ट्यूमर वगैरह जो मेटास्टेटाइज होके कंप्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या कोई वेस्कुलर प्रॉब्लम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिलेंगी, स्नीजिंग कफिंग में एग्रीवेट द पेन, इनफेक्ट खांसी या छींकने से भी आपको पेन एग्जेजरेट कर सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पेन इज बेटर इन वॉकिंग रादर देन लाइंग, चलने के वक्त पेन जब वो चल रहा होता है पेशेंट कहता है कि मुझे बेटर फील होता है, जब मैं बैठता हूँ सिटिंग पोजिशन में आता हूँ तो ये परफॉर्मेंस सिंड्रोम के एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पेन इज वर्स इन सिटिंग रादर देन स्टैंडिंग, ज्यादा बैठने में अगर स्पेशली हार्ड सरफेस पे बैठता है तो पेन ज्यादा होता है। लेग पेन इज सीवियर देन बैक, टांग का जो पेन है वो ज्यादा है रादर देन बैक। पेन इन एक्सटेंशन इन वॉकिंग इन स्पाइनल स्टेनोसिस में पेन एक्सटेंशन में ज्यादातर आ रहा होता है। पेन इन फ्लेक्शन हो तो लेट सपोज इन सिटिंग है तो वेस्कुलर क्लोडिकेशन में आता है, या फेसेट जॉइंट के इश्यूज में आ जाता है। टेन टू अपेयर सडनली कैन लास्ट फॉर डेज, और एकदम से आता है लेकिन अगर वो टिकने पे आए तो ज्यादा अर्सा भी टिक सकता है, डेज भी टिक सकता है, और वीक भी। लेट सपोज अगर L4 है, व्हेन द L4 नर्व इज कंप्रेस इरिटेटेड, पेशेंट फील्स पेन टिंगलिंग एंड नमनेस इन द थाई, पेशेंट ऑल्सो फील वीक वेन स्ट्रेटनिंग द लेग, जब वो नी को जब लेग को स्ट्रेटन करता है, एंड मे हैव अ डिमिनिश्ड नी जर, क्योंकि नी जर की वजह से वो नी एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, लेग को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था, अगर सिर्फ L4 की सिम्टम है। और जब L5 कंप्रेस्ड होगा तो उसमें फुट एक्सटेंशन और बिग टोज की एक्सटेंशन में उसको डिफिकल्टी होगी, तो ये भी एक क्लिनिकल आप समझे कि मोटर नर्व रूट पॉइंट है, कि आप उसकी मोटर रिफ्लेक्सिस के थ्रू, या रिफ्लेक्सिस कह रहा हूँ या मोटर, उसकी एक पहचान है कि L4 अफेक्टेड है तो वो नी जर्क उसका अफेक्ट होगा, तो नी जर्क होगा तो वो नी की एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा, स्ट्रेटनिंग नहीं कर पाएगा, और अगर L5 है तो फुट की एक्सटेंशन और बिग टो। अगर S1 कंप्रेस्ड है लेट सपोज, तो वो पेशेंट फील कहाँ करेगा, आउटर पार्ट ऑफ द फुट के ऊपर, और पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस दी वीकनेस व्हेन एलिवेटिंग द हील ऑफ, जब वो स्पेशली हील ऑफ करेगा तो उसको फील होगा, एंड स्टैंडिंग ऑन द टिप टोज एंड द एंकल जर्क में ऑल्सो बी डिमिनिश्ड अगर S1 अफेक्टेड है। तो इंस्पेक्शन
फिजिकल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन, हर वो चीज जो आप विजुअली देख सकते हो विदाउट टच। अगर टच करोगे तो पैल्पेशन, देन मोटर एग्जामिनेशन में जिस तरह हमने L4-5 S1-2 किए, या मोटर एग्जामिन कर रहे हैं। न्यूरल एग्जामिनेशन में उनके डर्माटोम चेक करेंगे, मोटर रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन में मायोटोम चेक करेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस और यूनिलेटरल फुट ड्रॉप। एक सिंपल मिसाल है, पेशेंट SR परफॉर्म कर रहा है, तो नॉर्मली अगर जितनी भी डिग्री रेंज है, लेट सपोज 0 to 30 में अगर पेन मिले तो वो ड्यूरल, 30 to 70 या 30 to 60 में मिले तो वो शैटिका का पेन होता है, और अगर 70 या 60 से ऑनवर्ड मिले तो वो SI जॉइंट पैथोलॉजी। ये आपके सामने एक SLR है, यू कैन सी मूवमेंट ऑफ नर्व स्टॉप एट दिस लेवल, जो 30 to 70 से आगे लेवल शुरू होता है, तो मूवमेंट ऑफ नर्व की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, इसीलिए अगर 70 से ऊपर आपको कोई पेन मिलता भी है तो वो नर्व का पेन नहीं होता, वो किसी और पैथोलॉजी का पेन आ सकता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर स्ट्रक्चर। हालांकि 30 to 70 में मिले तो ये शार्टिक नर्व को बाकायदा ग्लाइड कर रहा होता, कंप्रेस कर रहा होता, जो कि ग्रेटर शार्टिक नोड से शार्टिक नर्व निकलती है, तो इस एंगल पे उसको अच्छी खासी कंप्रेशन आ रही होती है। तो अगर इस 30 से 70 में आपको पेन मिले तो वो शार्टिक नर्व की तरफ से टेंशन अप्लाई टू द शार्टिक नर्व एट दिस लेवल, और अगर 0 to 30 मिले, यहाँ पे स्लैक टेकन अप इन शार्टिक नर्व एंड इट्स कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे SH 0 to 30 में इतनी SH शार्टिक के ऊपर कंप्रेशन नहीं आ रही होती बेसिकली। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में प्रेजेंट परसिस्टेंट एंड रेडिएटिंग लो बैक पेन होगा, जो कि एक पहचान है, बटक पेन मिलेगा, नमनेस मिलेगी, पैरेस्थेसिया, स्पेशली डिफिकल्टी विद वॉकिंग, स्वेलिंग इन लेग्स मिल सकती है, एग्जेजरेशन ऑफ पेन, आपको एग्रीवेशन ऑफ पेन मिलेगा एक्टिविटी से, और प्रॉब्लम सिटिंग से भी और वॉकिंग और स्क्वैटिंग से भी, पेन जो कि लेसन होगा ड्यू बाय लाइंग लेटने से पेन कम होता जाएगा, बेंडिंग द नी स्पेशली, क्योंकि जब आप नी को बेंड करते हैं तो हैम कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली, तो उसका स्ट्रेच खत्म हो जाता है, एंड दिस एक्सटर्नल रोटेशन वाइल सुपाइन कैन बी पॉजिटिव परफॉर्मेंस, और जिसको हम फ्लेयर टेस्ट कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट हिस्ट्री कंप्लेन क्या दे रहा होगा, कि पेन रेडिएट करता है इप्सिलेटरल साइड पे, थाई बिलो द नी जा रहा है, बिलो द एंकल, एक्सरब्रेटेड कैसे होगा, एक बाय द एक्टिविटी स्पेशली एडक्शन इंटरनल रोटेशन से, और सिटिंग इंटॉलरेंस, सिटिंग पे भी उसका पेन होता होगा। ऑब्जर्वेशन में आपको ट्रिगर पॉइंट मिल सकते हैं, ग्लूटल एट्रोफी मिल सकती है, सेक्रो इलियक की टेंडरनेस मिल सकती है, और प्रिफॉर्मर सिंड्रोम की बात करें तो शॉर्टनिंग्स ऑफ लिम्ब ऑन अफेक्टेड साइड एज वेल एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में स्पेशल टेस्ट होते हैं प्रिफॉर्मर के लिए, स्पेशली प्रिफॉर्मर सिंड्रोम के लिए, एक को प्रिफॉर्मर साइन कहा जाता है, मैं सबके ऊपर एक एक आपको वीडियो अभी बनाऊंगा, फेयर साइन है, पे साइन है, लेसगी साइन है, बेटी मेनोवर है, और हजिस टेस्ट है, जो कि स्पेशली सेक्रोइलियक टेंडरनेस के लिए। सबसे पहले प्रिफॉर्मेंस साइन है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो सुपाइन पोजीशन में सीधा लेट जाए, जैसे ही पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटता है आपने उनके दोनों पैरों की तरफ आना है, और दोनों पैरों को कहना है कि रिलैक्स रखे, पहले दोनों को न्यूट्रल, पैरों को न्यूट्रल पोजिशन में लेके जाना है, जैसे आप उसको न्यूट्रली छोड़ेंगे पैर बिल्कुल रिलैक्स होंगे, जैसे ही छोड़ेंगे जो अफेक्टेड साइड होगा वो ज्यादा एक्सटर्नली रोटेट करेगा, बिकॉज इफ यू नो व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड, जो हिप आपका प्रिफॉर्मेंस मसल है वो बेस्ट एक्सटर्नल रोटेटर है, तो जब आ जाता है व्हाट यू नीड टू डू, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, आपने पेशेंट के जो पैर हैं उनकी तरफ आना होता है राइट, और देन यू नीड टू आस्क द पेशेंट कि आपने कहना पेशेंट के पैर बिल्कुल, पेशेंट को कमांड करना है न्यूट्रल पोजीशन में रखे, आपने पेशेंट के पैर पैसिवली न्यूट्रल पोजीशन में रखने हैं, और पेशेंट को कहना है आपने बस पेशेंट पैर को रिलैक्स छोड़ देना है, और जैसे ही आप हाथ निकालोगे तो जो ज्यादा अफेक्टेड होगा प्रीफॉर्मस वो एक्सटर्नल रोटेट करेगा, लेट सपोज इफ यू कैन सी इन द पिक्चर राइट साइड ज्यादा एक्सटर्नली रोटेट हो रहा है, इट दिट इंडिकेट राइट साइड का प्रिफॉर्म मसल शॉर्टेड है, बिकॉज इफ यू नो प्रिफॉर्मर मसल इज द एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द हिप, स्पेशली जब आपका नी एक्सटेंडेड, जब आपकी लेग स्ट्रेट होती है तो प्रिफॉर्मस एक्सटर्नली रोटेटर है, और जब नी बेंड होती है तो ऑल्सो वीक एबडक्टर भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन की, तो इस तरफ का राइट साइड का प्रिफॉर्मर इतना शॉर्टेंड है कि वो एक्सट्रीमिटी को अपने नॉर्मली जो है नॉर्मली जैसे आप उसको छोड़ते हो तो ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ लेके जा रहा है, और अगर इस तरह का मिलता है तो नाउ यू कैन से ऑन द राइट साइड प्रीफॉर्मस पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट इज द फेयर टेस्ट, फेयर FAIR, फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन, इसमें पेशेंट की पोजीशन सुपाइन पोजीशन साइडलाइन पोजीशन है सॉरी, थेरेपिस्ट ऑन द टेस्टिंग साइड, पेशेंट ने क्या कहना है कि पेशेंट को कमांड देना होता है कि जो अफेक्टेड जिसको ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो वो एक्सट्रीमिटी ऊपर होगी, तो ये टेस्ट किसके ऊपर हो रहा है राइट साइड पे, एंड देन वॉट यू नीड टू डू पैसिवली पेशेंट की जो लेग है वो फ्लेक्शन की तरफ लानी है, एडक्शन करनी है और इंटरनल रोटेशन करनी होती है, तो जैसे ही आप पैसिवली लेग को अगर आप देखो राइट साइड ट्रंक के ऊपर रखा हुआ है ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रॉक्सिमल टू द पेल्विस,
और लेफ्ट हैंड से पेशेंट की जो लेग है, हिप की फ्लेक्शन हो रही है, एडक्शन हो रही है, ऑल्टरनेटिव पैसिवली थेरेपिस्ट ने करनी है। और इसमें पेशेंट को पेन कहाँ मिलेगा? प्रीफॉर्मस पे। तो अगर पेन मिलता है प्रीफॉर्मस वाले स्पॉट पे या उसकी नर्व, उसकी जो सिम्टम्स है जिस कंप्लेन के साथ वो आ रहा है, वो अगर रेडिएट होती है या वो प्रोड्यूस होती है, तो फेयर टेस्ट इज पॉजिटिव। पेस साइन या प्रीफॉर्मस सिंड्रोम के लिए पेस साइन होती है। पेस साइन में क्या होता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज है, ए और बी। सुपाइन भी हो सकती है, सिटिंग में भी आ सकती है। पेशेंट ने क्या करना होता है कि सिटिंग, अगर सिटिंग में आप बैठे हुए हो तो थेरेपिस्ट ने दोनों नीज के लेटरल साइड पे एक्सटर्नली पेशेंट्स के हाथ रखने होते हैं, पेशेंट्स के नीज के आउटवर्ड, आउट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑन ए ऑन बी दोनों पोजिशन सेम रहेगी, राइट। तो अगर आप सिटिंग बी की बात करो तो आउटवर्ड आउटसाइड से लेटरली, वी कैन से नी के लेटरली उन्होंने हाथ रखा होता है, और पेशेंट को कमांड करना होता है कि आपने आउटवर्ड एबडक्शन करनी है नी फ्लेक्स पोजीशन में। अब आप देखें हिप और नी दोनों 90 डिग्री फ्लेक्स है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन एज ए वर्क करेगा वीक एबडक्टर। तो बेसिकली ही इज गोइंग टू परफॉर्म द एबडक्शन, ठीक है। जैसे वो एबडक्शन करेगा और थेरेपिस्ट ने रेजिस्ट करेगा, तो भी उसको पेन, वही उनकी सिम्टम प्रोड्यूस होंगी, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव, व्हाट वी कैन से द पेस साइन। यही सब सुपाइन में कैसे होगी? सुपाइन में दोनों नीज उसने फ्लेक्स रखने हैं, और अगेन थेरेपिस्ट ने आउटवर्ड फ्रॉम आउटसाइड से फोर्स अप्लाई करना होता है, एंड देन आस्क द पेशेंट की डू द एबडक्शन। जैसे वो एबडक्शन करेगा, थेरेपिस्ट हैज टू रेजिस्ट, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द पेन विल इंडिकेट द पॉजिटिविटी ऑफ द टेस्ट। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम, इसके लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि जहां पे पेशेंट को पेन हो रहा है, प्रीफॉर्मस सिंड्रोम, जहां पे प्रीफॉर्मस की बेसिकली ओरिजिन है, जहां पे वो सिम्टम को प्रोड्यूस कर रहा है और शाटिक को कंप्रेस कर रहा है, वहां पे अपनी एल्बो के थ्रू आप उसको पिंच कर सकते हो। इसको हम ट्रिगर पॉइंट थेरेपी में भी यूज करते हैं, लेकिन आप उसको बेसिकली ट्रिगर कर रहे हो, जो कि पेन को आहिस्ता आहिस्ता रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेसगी साइन, लेसगी साइन में क्या हो रहा होता है कि लेसगी साइन में आपने पेशेंट्स की SLR परफॉर्म करानी थी, एज यू कैन सी देन पिक्चर, बट पैसिवली। तो जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, आप हैंड प्लेसमेंट अगर आप चेक करो, राइट हैंड जो काफ मसल का टेंडन है वहां पे, और लेफ्ट हैंड जो है बेसिकली वो फलंजेस के ऊपर, पंजों के ऊपर रखा हुआ, और आपने स्लोली परफॉर्म करनी है। 30 to 70 डिग्री में पेशेंट की पेन प्रोड्यूस हो जाती है, कि अगर वो शाटिका से शाटिक नर्व को कंप्रेस कर रहा होता है, और आपने डोर्सी फ्लेक्स भी करना होता है साथ साथ, तो अगर पेन वही सिम्टम प्रोड्यूस होती है तो टेस्ट इज पॉजिटिव। स्लम्प टेस्ट इज क्वाइट इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द शाटिक नर्व, ये एक प्रॉपर टेस्ट जिसमें आपने पेशेंट ने सिटिंग पोजिशन में होता है और स्टार्टिंग विद द सर्वाइकल, ये पूरा एक स्लम्प टेस्ट बेसिकली ड्यूरल मेम्ब्रेन को भी स्ट्रेस दे रहा होता है। तो आपने थ्रू आउट इसको परफॉर्म करना होता है कि पहले आप अपनी सर्वाइकल को भी फ्लेक्स करते हो, स्पाइन को भी फ्लेक्स करके रखते हो, जैसे ही आप दोनों स्पाइन को फ्लेक्स करके, उसके बाद बाकायदा आपने पहले नीज की एक्सटेंशन करनी होती है, नी एक्सटेंशन करने के बाद आप एंकल डोर्सिफ्लेक्शन ऐड करते हो, ये एक प्रॉपर स्ट्रेस दे रहा होता है शार्टिंग नर्व के ऊपर बेसिकली। और अगेन वही प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम अगर आपको मिले बेसिकली, तो स्लम्प टेस्ट इज पॉजिटिव। बीटी टेस्ट में क्या होता है कि ये वही सिमिलर टू एफ ए आ रहा है, साइडलाइन पेशेंट की पोर्शन होगी, अफेक्टेड साइड ऊपर होगी, लेकिन इसमें कमांड ये करना होता है कि पेशेंट ने हिप की फ्लेक्स करना है ऑलमोस्ट टू 90 डिग्री, हिप भी फ्लेक्स है, नी भी 90 डिग्री फ्लेक्स है, और थेरेपिस्ट ने उसको डाउनवर्ड एडक्शन करानी, और पेशेंट ने कहना है कि वो रेजिस्ट करे या एबडक्शन करे बेसिकली। तो और अगर रिप्रोडक्शन ऑफ पेन हो, थेरेपिस्ट क्या कर रहा है बेसिकली, डाउनवर्ड लेके जा रहा है टूवर्ड ग्रेविटी, टूवर्ड अर्थ लेके जा रहा है, और इनडायरेक्टली वो एडक्शन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, नीज नीज के ऊपर हाथ रखे, और पेशेंट को कमांड देना होता है कि वो रेजिस्ट भी करे और अपोजिट उसके मूवमेंट परफॉर्म करे, मतलब एबडक्शन परफॉर्म करे बेसिकली, एंड दैट इज अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन ऑफ द सिम्टम या द पेन ओवर द रीजन दैट कैन कॉजेस द बीटी टेस्ट पॉजिटिव। देन परफॉर्मेंस रिलीज, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। ये प्रीफॉर्मेंस रिलीज के लिए यू कैन प्लेस अ स्मॉल बॉल, कोई भी कुशन या बॉल हो गया, यू विल नीड टू प्लेस ओवर द प्रीफॉर्मेंस रीजन, एंड देन यू नीड टू स्लाइटली मूव योर पेल्विस, योर बटक्स। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेट सपोज अगर वॉलर सिंड्रोम है, प्रीफॉर्मेंस है, लेट सपोज, तो हम अगर शाटिका लंबर पैथोलॉजी से आ रहा है, तो हम उस हिसाब से गाइड करेंगे कि यू कैन कॉज, आप जो है वो डायरेक्टली वेट बेयरिंग को अवॉइड करें, डायरेक्टली कोई झुकर वेट ना उठाए, इस तरह करके। फार्माजिकल एजेंट्स में हम पेन, मसल रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली प्रीफॉर्मस मसल जिस तरह बोटॉक्स थेरेपी हो गया। उसके बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, हर्निएटेड डिस्क है तो सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। एक्सरसाइजेस में हमारे पास कोबरा हो गया, या मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, अपर बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होगी,
स्पाइनल स्टेनोसिस, स्ट्रैटिका मैनेजमेंट अलग होता है, सिलेक्शन एक्सरसाइजेस हमने उनको सजेशन देनी होती है, स्ट्रेचिंग्स वगैरह। ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, और ये सिर्फ डायग्नोसिस और असेसमेंट और एग्जामिनेशन करने के लिए, बट आई विल ट्राई अनदर वीडियो मैं इसके ऊपर प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर, कि इसके मैनिंग थेरेपी की टेक्निक्स क्या होंगी, प्रीफॉर्मस रिलीज है, और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये क्लिनिकल असेसमेंट और एग्जामिनेशन के ऊपर हो, यू कैन आस्क देन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। Audio Jungle.